हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पर सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे और पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी। वैसे तो मैंने आपसे कहा है, अभी आपका बिल्कुल बेसिक पोर्शन चल रहा है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप चिल होकर पढ़िए, जो पढ़ाया जाता है उसको आसानी से पढ़ो, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। शायद अभी तो ऐसा कुछ व्यवस्था आई नहीं होगी जिसमें कोई डाउट की आपको प्रॉब्लम आए, अगर फिर भी अगर आपको आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं हर समय आपके डाउट लेने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट, उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अगर मैं बात ये करूँ कि हम जब रसायन के मापन की बात कर रहे थे तो हमने परिशुद्धता, यथार्थता, सार्थक अंक, वैज्ञानिक संकेतन, इनके बारे में बात की थी, और मैंने आपको राउंड ऑफ करने के कुछ नियम भी बताए थे, तो शायद आपको समझ में भी आ गए होंगे और आपने वो नियम मैथमेटिक्स में पढ़े भी होंगे। आज इस मापन में जो गणित की गणनाओं का हम उपयोग करते हैं उसका लास्ट लेक्चर है, ओनली गणित की गणनाओं का। बाकी अभी सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री काफ़ी है, लेकिन ये जो हम जोड़ बाकी, गुणा भाग, ये वैज्ञानिक साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, इसका आज ये लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम प्रणालियों की तरफ मूव करेंगे कि मात्रक क्या है, इकाइयां क्या है, जो भी हम देख लेंगे बारी बारी से, वो आपको समस्या लेने मतलब टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको सब समझा दूंगा तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से। हम जो आज बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सार्थक अंकों का, सार्थक अंकों का गणनाओं में उपयोग। सार्थक अंकों का गणनाओं में उपयोग यानी आप सिग्निफिकेंट फिगर को जोड़, बाकी, गुणा और भाग में किस प्रकार उपयोग में लोगे। जैसे मान लो आपसे कहा गया, एग्जांपल दे दूं मैं आपको, जैसे आपके कहा गया कि ये एक मान है, दे दिया, और आपसे पूछा कि इसका जो जोड़ने पर मान आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी होगी। अब आप कहोगे सर आप भी क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, ये जोड़ने का ही तो काम है, जोड़ देंगे हम। भाई जोड़ने का काम तो है, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन आपसे वो जोड़ने वाला नहीं पूछ रहा कि आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, बच्चा थोड़ी है वो, या आपको बेवकूफ़ थोड़ी बनाएगा। आप जानते हो ये काम तो बच्चे करते हैं, इनको जोड़ के तो बना दोगे आप कुछ भी। वो पूछेगा जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जो मान आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी होगी, या आपसे पूछ लेगा कि मान लो आपको ये दे दिया, और पूछा बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का मान कितना आएगा। अब आप ये थोड़ी करोगे इसको गुणा करने लग जाओगे, इसको भाग करने लग जाओगे और फिर निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज हम सार्थक अंकों की उपयोगिता देखना चाहते हैं, किसमें, जोड़ बाकी में और गुणा भाग में, कि अगर मान लो आपको एग्जाम इस प्रकार का या इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर किस प्रकार काउंट किए जाते हैं। लास्ट लेक्चर होगा ये सिग्निफिकेंट फिगर का, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर का कोई लेक्चर नहीं होगा भाई, फिर हम बात करेंगे मात्रक पद्धतियों की, वो बात बात की है। पहले मैं आपको सार्थक अंकों का गणनाओं में उपयोग करना सिखाता हूँ। तो पहला काम करेंगे हम जोड़ बाकी का, उसके बाद बात कर लेंगे गुणा भाग का। बिल्कुल सिंपल है, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल चल ही रहा है अभी। देखो तो देखो भाई, जोड़ बाकी में और गुणा भाग में किस प्रकार हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं। अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करूँ तो मान लो मेरे पास एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, पहले मैं जोड़ बाकी ले लेता हूँ, फिर मैं गुणा भाग ले लूँगा, उसके बाद फिनिश। देखो भाई, अगर मान लो एग्जाम्पल ये दे दिया जाए, काफ़ी दे दिया जाए और पूछा कि बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, पहला काम तो आपका वही जोड़ने का, जानते हो जोड़ना, तो आप ये तीन हो जाएगा, ये दो हो जाएंगे अपने पास, एक रे दो रे तीन, और ये चार पाँच नौ, अपने पास जोड़ने पर ये मान आएगा।
आएगा नहीं आएगा, आपको ही दे दिया गया है। आपसे पूछा कि इसका जो मान आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने जोड़ दिया और हमारे पास आंसर ये आ गया, आ गया आंसर। सर हमको तो आता है कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं भाई, सिग्निफिकेंट, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया। आप तो ये कहोगे ना कि सर हमने इनको जोड़ दिया, जोड़ने में हमारे पास ये मान आ गया और वो हमसे पूछ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम जानते हैं जितने भी नॉन जीरो होते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो एक दो तीन चार सा सिग्निफिकेंट फिगर तो फोर आ गए, लेकिन ये आंसर आपका बिल्कुल क्या है, गलत। सोचो आप, जोड़ तो आपने लिया और आपने सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने काउंट कर दिए, चार, लेकिन आपका ये जो चार आंसर आया है वो बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा नहीं है। यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या चार नहीं है। तो सर फिर कितनी होगी, फिर कितनी होगी सर, जोड़ने पे तो यही आ रहा है, और अगर जोड़ने पे अगर ये आएगा तो सर सिग्निफिकेंट फिगर तो चार ही आएंगे। ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो वही तो सीख रहे हैं कि अगर मान लो आपको जोड़ बाकी या गुणा भाग दे दिया जाए तो आप किस प्रकार सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे। सुनो ध्यान से बात, आपने जोड़ तो दिया, पहले तरीका सीख लो आप, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। आपको ये दे दिया क्वेश्चन, तो आपने पहले काम करोगे आप इनको जोड़ दोगे, जोड़ दिया आपने, तीन दो एकम दो का दो हो गया, एक दो रे तीन हो गए, चार पाँच नौ आ गए, कंप्लीट है। अब आप सुनो क्या करोगे, जब आपके पास ये जो आंसर आएगा, सुना ध्यान से, उस आंसर में दशमलव के बाद वाली संख्या देखो आप, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से समझना। जो भी आपके पास आंसर आए उसमें दशमलव के बाद वाली संख्याओं पर चर्चा करोगे आप, किसके बाद वाली पे, दशमलव के बाद वाली करोगे। अब आ जाओ, जो आपके पास आंसर आया है उसमें उन्हीं संख्या को आप रखोगे जो दशमलव के बाद में आई, यानी आपकी जो चर्चा होगी इन दशमलव के बाद वाली संख्याओं पर होगी, इन दशमलव के बाद वाली संख्याओं पर होगी। अब सुनो, आपका आंसर ये आ रहा है लेकिन आपका आंसर ये नहीं होगा, कहोगे फिर आंसर क्या होगा, जोड़ने पर तो ये आ रहा है। सुनो ध्यान से, आपके आंसर में दशमलव के बाद बताओ कितनी संख्या आ रही है, एक दो और तीन, टोटल तीन संख्या है कि नहीं। देखो ना, आपका जो आंसर आया है उसमें दशमलव के बाद में एक दो और तीन संख्या आ रही है, सुनिए बात ध्यान से, तो ये तो आपके आंसर में आ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको ये आंसर नहीं लिखना है। तो फिर क्या लिखोगे, जब भी आप आंसर लिखोगे जोड़ का लिखो, बाकी का लिखो, पहले जोड़ बाकी की बात कर रहा हूँ उसके बाद दूसरी बात कर लेंगे। जब भी आप आंसर लिखोगे तो दशमलव के बाद उतनी ही संख्या लिखोगे जितनी संख्या इस जोड़ने या घटाने में दशमलव के बाद न्यूनतम होगी। सुनो बात ध्यान से वापिस, आपके पास जोड़ने पर दशमलव के बाद में तीन संख्याएं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको दशमलव के बाद तीन संख्या नहीं लिखनी, तो कितनी लिखोगे। तो पहला काम तो क्या करोगे, चयन तो दशमलव के बाद में होगा ना भाई, इसमें तो चयन होगा ही नहीं, तो इसको तो ऐसे के लिख देता हूं, नो को नो लगा दिया पॉइंट। अब सुनो, दशमलव के बाद आपको तीन संख्या नहीं लिखनी, क्या लिखनी है, आप अपने क्वेश्चन पे जाइए, चले गए हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें आप ये देखो कि दशमलव के बाद सबसे न्यूनतम संख्या किसमें है, देखो इसमें दशमलव के बाद एक दो तीन संख्या आ रही है, इसमें दशमलव के बाद एक और दो संख्या आ रही है, इसमें दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या है, या एक ही है या दो संख्या आ रही है या तीन संख्या आ रही है। तो आपको आंसर में दशमलव के बाद उतनी ही संख्या लिखनी है जितने आपके क्वेश्चन में दशमलव के बाद में न्यूनतम है। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद में तीन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो बताओ सबसे कम संख्या किसमें है, इसमें है कि नहीं, और कितनी है, एक। तो आप जब आंसर लिखोगे तो दशमलव के बाद में केवल एक ही संख्या लिखोगे, तीन दो तीन है तो हम ओनली क्या लिखेंगे, तीन, क्या लिखेंगे, तीन। बताओ यहाँ पे कोई राउंड ऑफ होगा क्या, राउंड ऑफ होता अगर ये पांच से बड़ा होता तो, अगर मान लो आंसर अपना ये आता तो दशमलव के बाद आप दो ही संख्या लिखते, तो नौ दशमलव, अब पांच से बड़ा है ही तो आगे वाली में एक जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 9.4। क्लियर है बात, सुना आप ध्यान से, अगर आपको जोड़ या बाकी का कोई क्वेश्चन दे रहा है तो जब भी आप उसका आंसर लिखोगे तो दशमलव के बाद उतनी ही संख्या लिखोगे जितनी जोड़ने या घटाने पर दशमलव के बाद में न्यूनतम, लिख दिया आपने। अब काउंट कर लो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, एक रे
क्लियर है। इस प्रकार आप जोड़ या बाकी में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ और बात समझ में आ जाएगी आप। देखो जान, अगर मान लो एग्जांपल में ये ले लूँ, जैसे 3.004, 4.005, 5.003, ये दे दिया आप, पूछा कि बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो पहला काम तो क्या होगा, आप जोड़ दो इनको, 4, 5, 9, 3, 12, 0 के 0, 4, 5, 9, 3, 12, ये आंसर आ गया हमारा, आ गया। अब आप ये देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है, 1, 2, 3। अब आप इन तीनों में देखो कि इन तीनों में दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मतलब आपका आंसर भी दशमलव बाद कितने में आएगा, 3 में। मतलब आपका आंसर बिल्कुल क्या है, सही, क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद में 3 है, यहाँ भी दशमलव के बाद में 3 है, यहाँ भी दशमलव के बाद में 3 है, और आपके आंसर में दशमलव के बाद में कितनी आ रही है, 3। मान लो अगर यहाँ पे मैं ऐसे करता, इसे 5 को हटा देता, तो दशमलव के बाद 2 ही संख्या रह गई। तो आप जब आंसर लिखते तो आपका आंसर भी दशमलव के बाद कितने में आता, 2 में। फिर आपको 3 संख्याएं लिखनी नहीं थी, यानी मैं कह रहा हूँ जितनी दशमलव के बाद में संख्या है उतनी ही संख्या किस में होनी चाहिए, आंसर में, और वो भी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम। अब इसमें सब में 3-3 है, तो न्यूनतम भी 3 ही होगी, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, न्यूनतम 3 संख्याओं में, आ गया। तो आपका आंसर यही होगा। अब काउंट कर लो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 2, 3, 4 और 5, कितने हो जाएंगे भाई, 5। और बात समझो ध्यान से, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, उसमें आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो एग्जांपल ये लेता हूँ, ये दे दिया आप, पहला काम होगा जोड़ने का, 4, 2, 6, 3, 2, 5, 0, 2, 3, 2, 4, दे दिया, यह आपका आंसर हो गया आपके तरीके से। लेकिन मैंने कहा था आप देखो आपके क्वेश्चन में दशमलव के बाद न्यूनतम संख्या किस में है, यहाँ दशमलव के बाद 3 आ रही है, यहाँ 2 ही आ रही है, यहाँ 3 आ रही है, तो सबसे कम संख्या किस में है, इसमें, यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है, 2। तो आपके आंसर में भी दशमलव के बाद आपको कितनी संख्या लेनी है, 2, तो ये तो आएगी, ये और ये, तो आपका आंसर क्या होगा, 4.05। अब देखो इसके जो लास्ट वाला अंक है वो 5 से बड़ा है कि नहीं, तो आगे वाले में कितना जोड़ दोगे आप, 1, बताओ आंसर क्या आएगा, 4.06, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे अपने पास, 3 होंगे, नहीं होंगे। वापस सुन लो नियम ध्यान से, जब भी आप जोड़ बाकी करो और आपका जो आंसर आए उस आंसर में दशमलव के बाद उतनी ही संख्या लिखनी है जितनी संख्या आपके जोड़ने में दशमलव के बाद न्यूनतम हो। इसमें 2 ही है न्यूनतम, जबकि इसमें 3 आ रही है, इसमें 3 आ रही है, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें भी दशमलव के बाद केवल आपको 2 ही संख्या रखनी है। तो आप इसका चयन करोगे, फिर हमको राउंड ऑफ भी तो लगाना पड़ेगा, लास्ट का अंक हमारे पास ये है 5 से बड़ा, आगे में एक जोड़ देंगे, बताओ बनेगा नहीं बनेगा, और उसके बाद क्या काउंट करोगे आप, सिग्निफिकेंट फिगर। ये तरीका होता है भाई जोड़ और बाकी में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का, शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, तो आपका जो आंसर होगा इसमें आएगा न्यूनतम में, तो न्यूनतम संख्या है 2, कौन सी है, 1 और 1, 2। अब इसके आगे वाला 6 है, तो इसमें आगे वाले में 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। क्लियर है। अब देखो गुणा और भाग में क्या करेंगे, वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, उसमें तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपको ये दे दिया गया, किसको सोल्व कीजिए आप, 2.168 × 4.325 × 1.4, पूछा इसका जो आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, कुछ नहीं करना आपको। अगर मान लो आपको इस प्रकार का दिया जा रहा है तो आप ओनली दशमलव के बाद वाली संख्या देखोगे, दशमलव के बाद वाली संख्या, जिस भी डिजिट में या जिस भी मान में दशमलव के बाद न्यूनतम संख्या हो, देखो इस तीनों मान में या दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है, 1, 2, 3, यहाँ दशमलव के बाद कितनी आ रही है, 1, 2 और 3, और यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है, ओनली 1। सुना नियम ध्यान से, अगर मान लो आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे उसके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, तो आपका काम क्या होगा, पहले दशमलव को देखना, देख लिया दशमलव को, अब दशमलव के बाद की संख्या देखो, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, और यहाँ पे 1, जिस मान में दशमलव के बाद न्यूनतम संख्या है, जिस मान में दशमलव के बाद न्यूनतम संख्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 है, तो न्यूनतम मान तो यही हुआ मान। सुनो नियम ध्यान से,
जिस मान में दशमलव के बाद न्यूनतम संख्या है उस मान का चयन करोगे आप। कर लिया चयन। अब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो ही इसके आंसर में होंगे। तो बताओ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? एक रेख। सिंपल है। क्या करोगे आप? अगर आपको गुणा भाग का क्यों क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप सबसे पहले दशमलव को देखोगे और दशमलव के बाद वाली संख्या देखोगे। जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्या सबसे कम है उस डिजिट को लेके आ जाओगे और उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही उसके आंसर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये देता कि बताओ इसका जो आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे। पहला काम क्या होगा आपका? दशमलव को देखना। देख लिया दशमलव को। अब दशमलव के बाद वाली संख्या देखो, यहाँ पे एक दो तीन है, यहाँ पे कितनी है? एक। हम इसका चयन कर लेंगे। अब इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? दो। तो आपका जो आंसर आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? दो। सिंपल है बात। जोड़ बाकी करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद उतनी ही संख्या रखनी है जितनी आपके प्रश्न में दशमलव के बाद न्यूनतम होगी। गुणा भाग का क्वेश्चन आएगा तो जो मान आपको दिया गया है उसमें सबसे पहले आप दशमलव की संख्या देखोगे। अगर दशमलव के बाद में जिसमें सबसे न्यूनतम संख्या आ रही है उस मान को लोगे और उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वही उसके आंसर में आएंगे। जैसे मान लो मैं आपको ये कह देता, इस प्रकार देता है एग्जाम्पल आप, कि 4.325 इंटू 10^-4 भाग दो 4.35 का, और बताओ इसका जो आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? कुछ नहीं करना आपको, इसको तो हम काउंट ही नहीं करते, पता है आपको चीज़ का। अब दशमलव के बाद देखो, यहाँ तो तीन है यहाँ एक है, इसका चयन कर लोगे आप 3.5 का, यहाँ कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? ये लो जी, दो आएंगे। सिंपल है। इस प्रकार आप जोड़ बाकी और गुणा भाग में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या ज्ञात कर सकते हो। जब तक के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मात्रक पद्धतियों की। ठीक है, धन्यवाद।